गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आपकी एग्ज़ाम अब फिनिश हो गई है। सो अब नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3232 चैप्टर नंबर 5 आवर फर्स्ट स्कूल होम। तो आपको लग रहा होगा कि हमारी फर्स्ट स्कूल तो हम जहाँ स्टडी करते हैं वो होती है, बट आपकी जो फर्स्ट स्कूल है वो होती है होम, मतलब कि हमारा घर। Our home is our first school. हमारा घर ही हमारी पहली स्कूल है, क्योंकि हम हमारे घर में हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ रह के बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जिससे हमें कुछ नया सीखने मिलता है कि कैसे किससे बात करनी है, कैसे खाना चाहिए, सब हमें पहले कहाँ से सीखने मिलता है, घर से। सो हमारा घर ही हमारी पहली स्कूल है। मेम्बर्स ऑफ होम आर आवर फैमिली, और हमारे साथ हमारे घर में जो हमारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं वही हमारी फैमिली है। लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स, और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम हमारे जो फैमिली में हमारे साथ रहते हैं उससे ही सीखते हैं, उसके बाद हम बाहर जाते हैं वहाँ से सीखते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली, क्योंकि हम हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर सिस्टर, अंकल आंटी, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, ये सबसे हम बहुत क्लोज होते हैं। लेट्स थिंक अबाउट अवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट, तो अब हम हमारी फैमिली के बारे में देखते हैं और बात करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। तो यहाँ पे आपको आपका जो फैमिली फ़ोटो है जिसमें आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, पेरेंट्स, आपके ब्रदर या सिस्टर जो भी है, वो पूरा फैमिली फ़ोटो, वैसा फ़ोटो आपको स्टिक करना है या तो ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास अभी फैमिली फ़ोटो है तो स्टिक कर सकते हो, नहीं है तो बाद में कर देना। नाउ पेज नंबर 33। सो पेज नंबर 33 पे भी क्वेश्चन 2, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। इसका मतलब है कि सबकी फैमिली होती है कि नहीं। तो आपको आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स है, कौन कौन है, वो लिखना है, और उसके नेम और वो आपके साथ क्या रिलेशनशिप में रिलेट है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल आंटी होते हैं, ब्रदर सिस्टर होते हैं, तो हमें उसके नेम लिखने हैं और वो हमारे रिलेशन में क्या होते हैं वो लिखना है। सो आपको यहाँ पे आपकी फैमिली के लिए लिखना है। मैं अभी एग्जांपल के लिए अपनी फैमिली के लिए लिखवा रही हूँ, बट यहाँ पे आपको आपकी फैमिली के ही नेम और रिलेशंस लिखने हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए मेरी फैमिली का दिखा रहे हैं। सो अभी मेरी फैमिली में मेरे साथ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मैं और मेरा भाई रहते हैं। सो मैं पहले स्टार्ट करूँगी मेरे ग्रैंड पेरेंट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विथ माई ग्रैंड फादर, मतलब कि मेरे दादा। तो मेरे दादा का नाम है कालू भाई, और वो है मेरे ग्रैंड फादर, मतलब कि मेरे दादा। तो रिलेशनशिप में लिखूंगी ग्रैंड फादर। अभी मेरी दादी का नाम, सो मेरी दादी का नाम है पूरी बेन, और वो है मेरी ग्रैंड मदर। सो रिलेशन में मैं लिखूंगी ग्रैंड मदर। तो कालू भाई जो है वो मेरे दादा है रिलेशन में, और पूरी बेन जो है वो मेरी ग्रैंड मदर है, मतलब कि मेरी दादी है। अभी मेरे पेरेंट्स के लिए, सो नेम अशोक भाई। तो मेरे फादर का नाम है अशोक भाई, और वो रिलेशन में है मेरे फादर। सो रिलेशनशिप में लिखूंगी फादर। नाउ मेरी मम्मी का नाम, सो मेरी मम्मी का नाम है कंचन बेन, और वो रिलेशन में मेरी है मम्मी, इन शॉर्ट मदर। अभी मेरी फैमिली में मेरे साथ रहता है मेरा भाई जिसका नाम है नीरव, और वो रिलेशन में है मेरा ब्रदर।
तो मेरी फैमिली में मेरे साथ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स और मेरा ब्रदर रहता है। तो मैंने यहाँ पे उसके नेम लिखे और वो रिलेशन में मेरे क्या लगते हैं वो लिखा है। तो आपको भी आपकी फैमिली में आपके साथ जितने मेंबर्स रहते हैं उसका उसका नाम लिखना है और उसका रिलेशन क्या है आपसे वो लिखना है। नाउ क्वेश्चन थ्री, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। तो क्वेश्चन थ्री में करना ये है कि हमने तो हमारे फैमिली के नेम और उसका रिलेशन लिख दिया, अब हमें इसमें से हस्बैंड वाइफ मतलब पति पत्नी, फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स तो मम्मी और पापा जो है वो एक दूसरे की क्या है, हस्बैंड वाइफ है। फिर हमारे साथ हमारे एल्डर ब्रदर या सिस्टर या तो स्मॉल ब्रदर सिस्टर होते हैं, तो हमारे छोटे भाई या छोटे बहन या तो बड़े भाई या बड़े बहन, बड़े सिस्टर रिलेशन में है तो उसके नेम लिखने हैं। फिर अगर हमारी मम्मी है और अगर गर्ल है तो वो डॉटर होती है और बॉय है तो सन होता है, तो माँ बेटी का जो रिलेशन है उसका नाम लिखना है या तो माँ बेटे का जो रिलेशन है उसका नाम लिखना है। तो अभी मेरे फैमिली में ये तो एग्जाम्पल दिया है, वैसे ही हमें भी लिखना है। तो अभी मेरे फैमिली में मेरे दादा दादी, मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई रहते हैं। सो मैं नाम लिखूंगी पहले तो हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ किसको बोलते हैं, हमारे मम्मी और पापा। सो मम्मी का नाम और सेकंड कॉलम में पापा का नाम, तो ये मेरी मम्मी का नाम, ये मेरे पापा का नाम। तो मम्मी और पापा एक दूसरे के क्या होते हैं, हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे के वो पति पत्नी हैं। अभी ब्रदर सिस्टर, तो मेरा भाई तो है, सो यहाँ पे मैं खुद का नाम लिखूँगी और यहाँ पे मैं मेरे भाई का नाम। तो हम दोनों का जो रिलेशन है वो है ब्रदर सिस्टर, हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। अब मदर और डॉटर, तो मेरी मम्मी का नाम है कंचन बेन और मेरा नाम है कोमल। तो कंचन बेन जो है वो रिलेशन में मेरी होती है मदर। सो हम दोनों का जो रिलेशन है वो है मदर डॉटर, हम दोनों का रिलेशन है माँ बेटी का। तो ऐसे ही आपको भी आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग रिलेशन, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर सिस्टर के अकॉर्डिंग नेम लिखने हैं और उसका रिलेशनशिप लिखना है। नाउ क्वेश्चन फोर, व्हाट इज योर निक नेम। निक नेम मतलब होता है कि हमें हमारे फैमिली वाले पेरेंट्स या दादा दादी हमें प्यार से कुछ नाम से बुलाते हैं, तो उसको बोलते हैं निक नेम। हमारा ओरिजिनल नेम तो होता ही है, बट हमें कोई टीनू, मीनू, काना, राधा ऐसा कोई निकनेम भी देते हैं। तो सबका, अगर आपका कोई निकनेम है तो आपका क्या निकनेम है वो नोट डाउन करना है। तो अभी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे ही लिख देना है जो भी आपका निकनेम है वो। तो मेरा निकनेम है राधिका, फॉर एग्जाम्पल। मेरा तो कोई निकनेम नहीं है बट मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि निकनेम जो मुझे फैमिली में मेरे फैमिली मेंबर्स प्यार से बुलाते हैं तो उसको बोलते हैं निकनेम, तो लिखा है राधिका। तो किसी को काना बुलाते हैं, किसी को राधा, टीनू, मीनू जो भी बुलाते हैं वो आपका अगर निकनेम है तो लिखना है। बाई वॉट नेम डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली। तो आपको आपके फैमिली वाले प्यार से क्या कह के बुलाते हैं वो लिखना है। सो आपको आपके फैमिली वाले प्यार से क्या कह के बुलाते हैं वो लिखना है। तो निकनेम तो जो आपका है वो लिखना है, बट आपको आपके फैमिली वाले, फॉर एग्जाम्पल दादा दादी है, मम्मी पापा है, तो बेटा, सन, बच्चा एक्सेट्रा कह के बुलाते, तो आपको जो कह के बुलाते हैं वो लिखना है। तो यहाँ पे भी आपको आपका
निकनेम ही लिखना है। तो अभी मैंने एग्जांपल के लिए निकनेम राधिका रखा है, तो यहाँ पे भी निकनेम लिखा है राधिका। क्वेश्चन 6, हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स, आप आपके फैमिली मेम्बर्स को क्या कह के बुलाते हो। सो मैं अपनी मदर को कहती हूँ मम्मी, फादर को कहती हूँ पापा, तो आप आपके फैमिली मेंबर में से मदर फादर, फॉर एग्जांपल आप आपके मदर को मम्मा कह के बुलाते हो, फादर को डैड कह के बुलाते हो, जो कह के बुलाते हो वो आपको यहाँ पे साइड में ही लिखना है। नाउ क्वेश्चन 7, लुक एट द पिक्चर विच इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, टू पर्संस इन द पिक्चर लुक सिमिलर। तो नेक्स्ट पेज पे एक पिक्चर दी है, वो पिक्चर हमें देखनी है ध्यान से, और हमें ये देखना है कि ये पिक्चर में कौन कौन से ऐसे फेस है जो वो एक दूसरे से सिमिलर है। सिमिलर मतलब एक दूसरे से मिलते हैं। तो ऐसे ही आपको भी, आप भी आपकी फैमिली में किसी ना किसी से तो मैच करते होंगे, मतलब कि किसी के हेयर सेम होते हैं, किसी की स्माइल सेम होती है, किसी का फेस सेम होता है। तो वैसे ही ये पिक्चर में भी देखो, ये जो फैमिली फ़ोटो है इसमें ये जेंटलमैन है, ये उसकी वाइफ है, फिर ये कोई और लेडी है, यहाँ पे टू गर्ल्स है, तो ये जो पूरा फैमिली फ़ोटो है इसमें से कोई ना कोई तो सेम होगा। तो देखते हैं, देखो ये जेंटलमैन के जो हेयर स्टाइल है और ये गर्ल की हेयर स्टाइल, ये दोनों मैच हो रही है, हो रही है कि नहीं। तो मतलब कि ये जो गर्ल है वो ये जेंटलमैन की क्या होगी, डॉटर होगी, डॉटर मतलब बेटी होगी, तो ही उसकी हेयर स्टाइल मैच होगी। फिर यहाँ पे ये लेडी भी देखो, ये लेडी का स्किन कलर और ये गर्ल का स्किन कलर मैच हो रहा है, तो ये गर्ल इस ये लेडी की क्या होगी, डॉटर होगी। तो ये जो है वो इसकी डॉटर है, ये ऑरेंज कलर कॉस्ट्यूम वाले की बेटी है, और ये गर्ल जो है पिंक कलर ड्रेस वाली, उसके पेरेंट्स जो है वो उसके पीछे खड़े हैं। तो किसी के हेयर स्टाइल सेम होते हैं, किसी की स्माइल सेम होती है, किसी का स्किन कलर सेम होता है, किसी की वॉकिंग स्टाइल सेम होती है। तो हम भी हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसे ही कोई ना कोई चीज़ तो मैच होती है। सो लेट्स सी, Is there any similarity between you and any other member of your family in the way you talk, walk, smile, or even in your look, with whom and how? तो यहाँ पे हमारी भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हमारे फैमिली मेम्बर के साथ मैच करती है, जैसे कि बात करने का तरीका, चलने का तरीका, हम स्माइल करते हैं वो, या तो कभी कभी हमारा पूरा फेस और हमारी हेयर स्टाइल, वो भी हमारे फैमिली मेम्बर के साथ रिलेट करती है। तो किसके साथ रिलेट करती है और कैसे, ये लिखना है। तो यहाँ पे मैं अपन खुद का लिख रही हूँ, आपको आपके अपने ही लिखना है। तो मेरी जो वॉक है वो सेम मेरी मदर जैसी है, जैसे मेरी मम्मी चलती है मैं भी वैसे ही चलती हूँ। फिर मेरा जो लुक है वो सेम मेरे पापा जैसा है, तो मेरा जो लुक है वो मेरे सेम टू सेम मेरे फादर जैसा है। तो मेरी मम्मी के साथ जो मेरी सिमिलैरिटी है वो है चलना, और मेरे फादर के साथ जो मेरी सिमिलैरिटीज मैच हो रही है वो है लुक। तो मेरी जो दो क्वालिटी है वो मेरे पेरेंट्स के साथ मैच हो रही है। तो यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आपको भी आपके फैमिली में से आपका किसके साथ मैच होता है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। सो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लाइन से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे